Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this brand new app development course in which we are creating a chatting application. And from this video, hum hamari chatting application ki last functionality pe work karna start karenge. So pehle main aapko us functionality ke bare mein thoda sa bata deta hu. सो करंटली हमारी चैटिंग एप्लीकेशन के अंदर हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी यूजर्स क्रिएट हुए ना वो सारे के सारे शो होते हैं, बट हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे. ओके, इट्स नॉट प्रैक्टिकल. अगर हमारे डेटाबेस के अंदर थाउजेंड और मिलियंस यूजर्स हो गए, देन वो सब के सब वहाँ शो हो गए, जिनमें से बहुत सारों को हम जानते भी नहीं होंगे. ओके, सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल. सो व्हाट वी वांट इज एक्चुअली हम यहाँ पे सिर्फ उन यूजर्स को शो कराना चाहते हैं जिनका हमारे पास एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी हो. ओके, सो इस फीचर पे हम लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इस बटन के लिए एक डायलॉग डिज़ाइन करेंगे. ओके, ऐड यूज़र करके यहाँ पे हम लोग उसका ईमेल एक्सपेक्ट करेंगे. एंड अगर वो ईमेल एग्जिस्ट करता रहेगा, अगर हम लोग इस ऐड पे क्लिक करेंगे ना, इन दैट केस सिंपली वो यूज़र यहाँ पे ऐड हो जाएगा. अगर वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता रहेगा, वी विल सिंपली शो अ टोस्ट मैसेज और एंड स्नैक बार लाइक यूजर डजेंट एग्जिस्ट एंड एक्सेट्रा. ओके, सो दिस विल बी द लास्ट फंक्शनैलिटी ऑफ दिस एप्लीकेशन. सो मैं इसे दो वीडियोस में कवर करूँगा बिकॉज हमें हमारे थोड़े से स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा एप्लीकेशन के. सो नाउ इन टू आर एप्लीकेशन, करंटली सिंपली मूव टू आर होम स्क्रीन एंड यहाँ पे हमने वो फ्लोटिंग बटन बनाया. एक्चुअली हमने यहाँ पे साइन आउट के कोड्स करके रखे, मैं इन्हें रिमूव कर रहा हूँ. सो इन द लास्ट वीडियो हमने ऑलरेडी एक डायलॉग क्रिएट किया था मैसेज अपडेट करने के लिए इन टू आर मैसेज कार्ड. ओके, सो मैं उसे ही एक्चुअली यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ. सो सिंपली दिस सो मैसेज अपडेट डायलॉग एंड सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड इनसाइड आर होम स्क्रीन में इसे नीचे पेस्ट कर दूंगा. सो जस्ट बिलो ये यो जो भी येल्लो पैरेंथिसिस है एंड यहाँ पे जस्ट मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ. एंड आफ्टर दैट इट विल बी शोइंग सम एरर्स लाइक मैसेज डजेंट एग्जिस्ट. एक्चुअली वी वांट ईमेल हियर. ओके, एंड ये जो इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो एम्प्टी होनी चाहिए. एंड आफ्टर दैट सिंपली लाइक दिस यहाँ पे इनिशियल वैल्यू. सो इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं होनी चाहिए. ओके, एंड आफ्टर दैट सिंपली ओके. एंड यहाँ पे ईमेल इज इक्वल्स टू वैल्यू एंड सिंपली कंट्रोल सेव. एंड नाउ यहाँ पे अपडेट मैसेज की जगह पे मुझे चाहिए ऐड यूज़र. ओके, एंड आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. एंड आफ्टर दैट लेट से कैंसिल भी रहने देता हूँ मैं यहाँ पे. एंड आफ्टर दैट सिंपली हियर ये जो भी हमारा फंक्शन है, मैं जस्ट इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ. इसकी जगह पे हम लोग कुछ दूसरा फंक्शन करेंगे. सो एक्चुअली एक अपडेट बटन ही होगा, ये एक ऐड बटन होने वाला है फॉर नाउ. सो सिंपली ऐड एंड हम लोग इस डायलॉग को सिंपली शो करा सकते हैं ऊपर. ओके, एंड वन मोर थिंग, मैं इसका नेम भी चेंज कर देता हूँ. सो ऐड चैट यूज़र डायलॉग. एंड आफ्टर दैट एक्चुअली यहाँ पे एक मैसेज की आइकन है. लेट्स से मैं यहाँ पे पर्सन की आइकन डाल देता हूँ, दैट विल मेक मोर सेंस. ओके, ऐड पर्सन या पर्सन जो आपको अच्छी लगे. ओके, एंड आफ्टर दैट सिंपली मूव अबव एंड इस डायलॉग को शो कराते हैं. सो सिंपली ऐड चैट यूज़र डायलॉग एंड लेट्स से मैं असिंक यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ. नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन दिस बटन ना, एंड ये डायलॉग ठीक दिखता है. ओके, यहाँ पे टाइटल है ऐड यूज़र एंड यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा होना चाहिए आई फील लाइक. एंड आफ्टर दैट यहाँ किसी को देख के पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करना है दैट यूज़र का. सो हमें यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए. ओके, सो मैं जस्ट इसे कैंसिल पे क्लिक करता हूँ. हमें वहाँ पे उसे हिंट प्रोवाइड करके देना पड़ेगा. ओके, सो सिंपली लाइक ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक स्पेस मुझे और चाहिए. एंड आफ्टर दैट वॉट आई एम गोइंग टू डू इज़ यहाँ पे मैं हिंट ऐड करने वाला हूँ. एंड लेट इफ़ आई वॉन्ट मैं यहाँ पे कुछ आइकन भी दे सकता हूँ. सो सिंपली हिंट टेक्स्ट एंड यहाँ पे हम लोग कुछ सेट कर सकते हैं लाइक ईमेल. ओके, ईमेल आईडी जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो. एंड आफ्टर दैट मैं इसे एक प्रीफिक्स आइकन भी देना चाहता हूँ, विच मीन स्टार्टिंग में एक ईमेल की आइकन, नथिंग मोर देन दैट. ओके, सो सिंपली आइकन एंड आई एम राइटिंग इट एज आइकन्स डॉट ईमेल. ओके, एंड सिंपली कलर्स जो उसका होगा, सिंपली कलर्स डॉट ब्लू
and after that simply control save. And now if I click on it now, you will see it feels bit more familiar. Yahan pe email bhi hai, add ka button hai, cancel ka button hai, etc stuff. And if you want, you can just enter something and ye dialog khud ko adjust kar lega us content ke hisab se. That's totally up to it. Okay, now the next thing is हमें हमारा जो लॉजिक है उससे थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ेगा फॉर दिस कि हम लोग क्या करने वाले हैं एक्चुअली. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम उन यूजर्स को कैसे स्टोर करेंगे हमारे फायरबेस में. सो इन आर फायरबेस प्रोजेक्ट ये जो भी हमारे यूजर्स होने वाले हैं इसके अंदर एक डॉक आईडी है, विच मीन्स जो भी यूज़र है उसका पर्टिकुलर वो आईडी है. एंड उस डॉक आईडी के अंदर हम एक और नई कलेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं. फॉर नाउ लेट मी शो यू. ओके, हम लोग मैन्युअली क्रिएट कर रहे हैं फॉर नाउ, बट इन फ्यूचर हम लोग इसे कोड से क्रिएट करेंगे. सो इसके अंदर हम लोग एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे कॉल्ड इज माई यूजर्स. ओके, एंड इन साइड दैट कलेक्शन फॉर नाउ लेट से मैं यहाँ पे आई आउटो आई डी ले लेता हूँ कोई भी. ओके, फॉर नाउ इट डजेंट मैटर मच. एंड लेट से इसकी जो भी फील्ड है लेट इट बी. मैं फिर सिंपली सेव पे क्लिक कर रहा हूँ. ओके, एंड यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ये हम लोग ये सिंपल सा पैटर्न फॉलो करने वाले, विच मीन्स इन यूजर्स हर यूज़र के पास अपने माई यूजर्स होंगे. एंड ये जो भी माई यूजर्स होंगे ना उनके अंदर उनके कुछ रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे. सो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. ओके, आई नो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग काफ़ी नेस्टेड जा रहे हैं. हम एक कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट को पॉइंट आउट करेंगे, उसके अंदर एक और कलेक्शन को पॉइंट आउट करेंगे जिसमें और कुछ डेटा तो हो गई होगा डॉक्यूमेंट का डेफिनेटली. ओके, एंड आफ्टर दैट इनसाइड दैट वी विल बी हैविंग सम मोर डॉक्यूमेंट्स. नाउ ये सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, बट ट्रस्ट मी वी कैन डू इट वेरी इजीली. ओके, सो सिंपली जस्ट मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज वी विल बी क्रिएटिंग इट फ्रॉम कोड्स. नाउ इनसाइड आर APIs एक्चुअली मैं कुछ कोड्स करने वाला हूँ जो उस कलेक्शन को क्रिएट करेगी हमारे लिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं चेक करूँगा जब यहाँ पे हम लोग कोई भी एक ईमेल फॉर नाउ डालेंगे ना, अगर वो ईमेल एग्जिस्ट करता है इन दैट केस सिंपली उस कलेक्शन में उस ईमेल को ऐड कर दो, एंड नहीं करता देन लेट इट बी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली हियर मैं किसी फंक्शन को लेट से एक्चुअली हम इसी के जैसा थोड़ा बहुत वर्क करना चाहते, सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ. सिंपली कंट्रोल वी एंड आई एम कॉलिंग इट ऐड चैट यूजर. एंड एक्चुअली ये फ्यूचर बूलियन ही रिटर्न करके देने वाला है. So simply for adding a chat user for our conversation. Okay, now what we are going to do is in this starting hum log yahan se ek email expect karenge. So string email, and now with this email we will check whether that user exists or not. Agar wo exist karta hai then use hamare jo bhi my users wala section hum log create karenge and uske andar add kar denge. Nahi karta then let it be, return simply false. So what I am going to do is simply like this. After that like this, okay, and okay, and इसके बाद let's say मैं इस result को किसी में store करा लेता हूँ. So final, and I am calling it let's say data is equals to, okay. Now हमें actually हमारे पास document ID नहीं आने वाली जिससे हम लोग compare कर सकते हैं. हमें actually हमारी एक field से comparison करना है, so हमें यहाँ पर actually where का use करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे हमें वो फील्ड का नाम बताना पड़ेगा. सो एक्चुअली आ फील्ड्स नेम विल बी ईमेल बिकॉज हम इस ईमेल के साथ कंपैरिजन करना है. सो ईमेल कॉमा एंड आफ्टर दैट जो भी यूजर ने हमें ईमेल प्रोवाइड करके दिया है सो इज इक्वल टू ईमेल. सो अगर ईमेल मैच करते हैं ना इन दैट केस वो सारे यूजर्स रिटर्न करके दो. सारे नहीं एक्चुअली एक ही आएगा बट स्टिल. एंड आफ्टर दैट आई विल चेक इफ डेटा डॉट docs is not empty, which means ये empty नहीं होना चाहिए. and after that there can be chances के जो user ने email enter किया है उसने खुद का ही email address enter किया है. so हम नहीं चाहेंगे कि वो खुद को भी अपने as a user add कर सके. so मैं एक और condition रखना चाहूँगा यहाँ पर. okay, अगर वह empty नहीं है after that data dot docs first dot id is not equal to user dot uid, which means हमारी uid के equal नहीं है, then we should do this stuff else. okay, हम लोग यहाँ पर simply false return करा देंगे. so like this false okay, हम मुझे यहाँ पर return लिखना पड़ेगा, return
ओके एंड सिमिलरली अगर ये सब ट्रू है विच मीन्स यूज़र अगर एग्जिस्ट करता है ना सिंपली रिटर्न इट लाइक दिस ट्रू. सो नाउ इफ यूज़र एग्जिस्ट ना वी विल क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ओके उस यूज़र के आईडी के साथ इन टू आर माई यूजर्स. सो यहाँ पे सिंपली वी कैन यूज़ अवेट फायरस्टोर डॉट एंड वी कैन रेफर एनी कलेक्शन लाइक दिस हमारी यूजर्स कलेक्शन के अंदर डॉट एंड यहाँ पे करंटली जो भी यूज़र होगा ना उसी के अंदर हमें वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है. सो यूज़र डॉट यू आई डी विच मीन्स जो भी हमारा करंट यूज़र है उसके माई यूजर्स हमें अपडेट करने हैं डॉट एंड यहाँ पे हमें एक्चुअली एक और कलेक्शन को रेफर करना है एंड इस कलेक्शन का नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो. मैं माई यूजर्स रख रहा हूँ डॉट एंड यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे हम लोग एंड उस डॉक्यूमेंट के लिए हमें एक्चुअली काइंड ऑफ आई डी प्रोवाइड करके देना पड़ेगा. सो जो डॉक्यूमेंट की आईडी होगी ना वो हमारे इस जो भी हमारे पास डेटा आया है उसके पास जो भी फर्स्ट आइटम है ना उसकी आईडी होने वाली है एंड दिस विल डू आवर वर्क. एंड एक्चुअली टू क्रिएट अ डॉक हमें अवेट कीवर्ड नहीं चाहिए. सो सिंपली कंट्रोल सेव ओके. नाउ सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इस फंक्शन को मैं कॉल करने वाला हूँ एट चैट यूज़र को यहाँ पे जहाँ पे हमने वो मैसेज वाला स्टफ़ कॉल किया था एंड मैं उसे उसके पास वो ईमेल सेंड कर दूंगा. बट मैं उसके पास ईमेल तभी सेंड करूँगा जब वो ईमेल एम्प्टी नहीं होगा ओके. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहूँगा. नाउ व्हाट वी वांट इज़ ये जो भी हमारा ईमेल है ना वो यूज़र एम्प्टी एंटर ना कर पाए और एल्स हम लोग एक एम्प्टी ईमेल को भी चेक करते बैठेंगे विदाउट एनी रीज़न. सो मैं यहाँ पे कंडीशन डालने वाला हूँ इफ़ ईमेल डॉट इज नॉट एम्प्टी देन ओनली ये हमारा जो भी फंक्शन है कॉल होना चाहिए. नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस मैसेज प्लस आइकन एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं एक ईमेल एड्रेस एंटर करने वाला हूँ फॉर नाउ ओके जो एग्जिस्ट करता है एक्चुअली. सो आई एम जस्ट गोइंग टू सिंपली एंटर म्यूजिक वर्ल्ड ऐप 2021@gmail.com एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सिंपली क्लिक ऑन दिस एड एंड यू विल सी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता ना. और अगर आप लॉग्स भी चालू कर लोगे ना देन यहाँ पे भी कुछ शो नहीं होने वाला बिकॉज हमने कुछ प्रिंट कराया नहीं है. बट वी कैन मूव टू आर फायर बेस एंड हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं. आई थिंक ये वाला मेरा यूज़र है 2020 वाला ओके एंड एक्चुअली यहाँ पे कलेक्शंस क्रिएट नहीं हुई है ना वाई ओके. सो लेट्स मूव टू आर एप्लीकेशन एंड लेट्स से मैं कुछ लॉग्स प्रिंट कराता हूँ जिससे मुझे पता चले एक्चुअली एरर क्या आ रही है. सो सबसे पहले मैं इस डेटा को प्रिंट करा लेता हूँ. सो सिंपली यहाँ पे मैं जो भी मेरे पास डेटा आएगा उसे प्रिंट करा रहा हूँ. आफ्टर दैट उस यूज़र का डेटा अगर एग्जिस्ट करता रहेगा देन ना इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव एंड जस्ट अगेन क्लिक ऑन दिस एंड सिंपली एंटर दैट जीमेल म्यूजिक वर्ल्ड ऐप 2021 बिकॉज ये यूज़र एग्जिस्ट करता है नथिंग ग्रेट. एंड मैं अपना टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे ओके कंट्रोल शिफ्ट वाई एंड यू विल सी एक्चुअली वो यूज़र एग्जिस्ट करता है एंड एक्चुअली मेरी ऐप टर्मिनेट हो गई है बट दैट्स ऑल राइट. बट वो यूज़र एग्जिस्ट करता है ओके बट इट इज़ नॉट एबल टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्टरी. नाउ वाई द रीज़न इज़ हम लोग शायद सिर्फ डॉक्यूमेंट की आईडी के साथ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हमें उसके अंदर कुछ डेटा भी स्पेसिफाई करना पड़ता है. सो यहाँ पे मैं एक्चुअली डॉट सेट को कॉल करूँगा एंड उसके अंदर लेट्स से फॉर नाउ मैं सिर्फ एम्प्टी पैरेंथेसिस सेंड कर रहा हूँ ओके एंड सिंपली कंट्रोल सेव एंड नाउ लेट मी रीलोड माई एप्लीकेशन. नाउ आई जस्ट हैव रीइंस्टॉल द एप्लीकेशन एंड आफ्टर दैट मैं इस बटन पे अगेन क्लिक करने वाला हूँ वन मोर टाइम एंड आई एम गोइंग टू क्लिक म्यूजिक वर्ल्ड ऐप एंड सिंपली एड. नाउ यू विल सी यहाँ पे डेटा प्रिंट हो रहा है बट दैट्स नॉट एन इशू. क्या फायरबेस के अंदर वो यूज़र ऐड हो रहा है दैट्स एक्चुअली अ इशू फॉर मी. सो एक्चुअली मैं इसे रीलोड करता हूँ यहाँ से एंड यू विल सी यहाँ पे एक माई यूजर्स करके क्रिएट हुआ है एंड ओके. सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर थिंग बन चुकी है जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है बट द ओनली थिंग इज़ मैंने यहाँ पे सेट करके स्टफ लिखी सो इट वर्कड. जनरली इसके बिना भी वर्क करता है बट आई डोंट नो ओके. सो यू कैन ट्राई विथ एंड विदाउट इट. नाउ विद दिस वी आर सक्सेसफुली एबल टू add a new user into our my user section okay. now यहाँ पे मैं एक last functionality for now implement करना चाहूँगा. मैं यहाँ पे respective alert dialog show कराना चाहूँगा अगर user exist करता है और अगर user exist नहीं करता then okay. so actually मैं यहाँ पे एक await keyword लिखने वाला हूँ okay. simply await and मैं से next line में move कर लेता हूँ. after that मुझे यहाँ पे एक async keyword add करना पड़ेगा and it will suggest me to add curly braces ओके. नाउ व्हाट आई विल डू इज़ मैं यहाँ पे देन फंक्शन का यूज़ करूँगा. सो जैसे ये फंक्शन कंप्लीट होता है ना डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू इट रिटर्न्स मैं यहाँ पे स्नैक बार शो कराना चाहूँगा ओके. नाउ अगर यूज़र एंटर हो गया ना तो मुझे कोई भी स्नैक बार शो नहीं कराना ओके. इफ़
वो जो पर्टिकुलर यूजर है कुछ फेलियर आता है ड्यू टू सम रीजंस, मैं यहाँ पे एक स्नैक बार शो कराना चाहूँगा लाइक डायलॉग्स, एंड आफ्टर दैट मुझे एक्चुअली से इम्पोर्ट करना पड़ेगा. सो सिंपली इम्पोर्ट इट आउट एंड आफ्टर दैट शो स्नैक बार एंड वी आर जस्ट सिंपली शोइंग अ स्नैक बार विथ अ मैसेज. ओके यूजर डज नॉट एग्जिस्ट. ओके आपको जो अच्छा लगे वो मैसेज आप यहाँ पे शो करा सकते हो. नाउ इफ आई क्लिक ऑन इट ना एंड इफ आई जस्ट सेंड सम रैंडम डमी डेटा एंड इफ आई क्लिक ऑन ऐड ना, यू विल सी इट विल सिंपली शो यूजर डज नॉट एग्जिस्ट. दैट्स इट. ओके इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गिव रिमेनिंग फंक्शनैलिटी टू इट, विच मीन्स हम यहाँ पे एक्चुअली एक नेस्टेड स्ट्रीम का यूज करने वाले हैं मच मोर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.